दोस्तों आजकल के स्ट्रेसफुल टाइम में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से होने वाला बाल्डनेस या फिर हेयर लॉस जो है, बहुत लोगों को इसकी दिक्कत रहती है और लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं कि इसका सबसे बेस्ट इलाज क्या है, कौन सा बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से या तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ना हो या फिर वो स्लो प्रोग्रेस करे, कम्प्लीटली रुक जाए, या फिर जिनके कम्प्लीटली बाल चले गए हैं वो वापस किस तरीके से आ सकते हैं, ये सभी लोग सर्च करते रहते हैं। तो आज हम पता करेंगे कि PRP, हेयर ट्रांसप्लांट या फिर मेडिकेशन आखिर क्या लेना चाहिए जिसके बाद में जो है हमारे जो हेयर से वापस ग्रो कर सके या फिर जो डिसीज प्रोग्रेशन का रेट है वो कम हो सके या फिर वो रुक सके या फिर कंप्लीट बाल्डनेस है तो वो बाल वापस आ सके। तो हमें क्या करना चाहिए जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको भी बाल्डनेस का इशू है तो आप भी ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको आपके डिसीज के बारे में और अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निपुण केसरकर, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और फिलहाल अंधेरी वेस्ट में मुंबई में हेयर फ्री हेयरों के साथ में वर्क कर रहा हूं। दोस्तों जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसकी वजह से होने वाला हेयर फॉल, हेयर लॉस, इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के जो ग्रेड्स होते हैं उसमें आपका ग्रेड कौन सा है। जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं उस टाइम पे वो ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपका जो बाल्डनेस का ग्रेड है उसको काउंट करते हैं। ये ग्रेड 1 to 7 तक रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन आपको या तो एक ग्रेड सिलेक्ट करना है या फिर एक ट्रीटमेंट सिलेक्ट करनी है या फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये देखना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस वॉर की सिवियरिटी जितनी हो, जितना वॉर जब हम कहते हैं कोई लड़ाई अगर बहुत बड़ी है तो हमें साजो सामान भी ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बंदूक लेके जाऊंगा, कुछ और नहीं लेके जाऊंगा, इस तरीके से नहीं चलता है। जो भी हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो सभी रैशनल तरीके से लेस साइड इफेक्ट के साथ में या फिर विदाउट साइड इफेक्ट साथ में अगर हम उसको टैकल कर सकते हैं तो आपका जो रिजल्ट है या फिर आपका जो हेयर लॉस है वो वापस रिवर्स होके आपके बाल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका अभी डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस है तो उस टाइम पे आपके बायोटिन सप्लीमेंट, DHT ब्लॉकर्स एंड रिडेंशियल ट्रांसमीटर जैसे बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके काम आ सकते हैं। बट अगर आपका जो डिसीज प्रोग्रेशन रेट वो फास्ट है तो उस टाइम पे इन सब चीजों से आपको सफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको डेंसिटी फिलिंग की जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर होती है वो करना जरूरी है। अगर आपका टिपिकल पैटर्न है, मतलब आपका हेयर लाइन रिग्रेस हो रहा है, कॉर्नर डेवलप हो रहे हैं, क्राउन डेवलप हो रहा है, एट दैट टाइम जो रहता है जितना एरिया ऑलरेडी जा चुका है या फिर जो मेडिसिन PRP से नहीं आ सकता है वो एरिया जो है ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स जो है पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट का सजेस्ट करते हैं। अगर वहाँ पे हेयर फॉलिकल नहीं है या फिर वो इतने मिनीचराइज हो गए हैं कि आप किसी भी मेडिसिन से, मतलब जो साउंड डोज के मेडिसिन होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल के मेडिसिन दे देंगे तो आपको बाल तो आ जाएंगे बट उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा रहेंगे। तो इस तरीके की मेडिसिन दिए बिना, हमारे जो साइड इफेक्ट है कोई भी ना हुए बिना अगर हम ट्रांसप्लांट के थ्रू उन बालों को वापस रिकवर ला सकते हैं तो हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। सो पर्टिकुलरली आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस क्या है, आपका डिसीज प्रोग्रेशन रेट क्या है, आपकी हिस्ट्री कैसे है। जैसे कि किसी कुछ लोगों को पेरेंट्स जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा फास्ट एरिया में पूरा बाल्डनेस हुआ रहता है तो डेफिनेटली इनके भी चांसेस रहते हैं बच्चों की कि उनमें बाल्डनेस बहुत ज्यादा लेवल पे या फिर पूरे ग्रेड 7 तक की पूरा या फिर कम एज में हो, तो इस टाइम पे आपको जो है डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर मैं बात करूंगा तो मैं मल्टीपल लेयर्स पे बात करूंगा। सबसे पहला जो रहता है मल्टीविटामिन्स या फिर vitamin D3 के सप्लीमेंट्स रहते हैं, बायोटिन के सप्लीमेंट रहते हैं, वो हो गए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो DHT ब्लॉकर्स हो गए, मिनोक्सिडिल, रिडेंशियल, ट्रांसक्यूटॉल, एनागेन, कैफेन, कॉपर पेप्टाइड, अदर पेप्टाइड्स, ये सारी जो चीजें होती है वो आपके हेयर को ब्लड सप्लाई देने में, ग्रोथ देने में हेल्प करती है। उसके बाद में आता है दोस्तों आपके शैम्पू आपको बिटाइन बेस के यूज करने होते हैं जो कि बहुत ही माइल्ड होने चाहिए जिसकी वजह से आपके हेयर को कोई भी डैमेज ना पहुंचे बट वो सफिशियंट अमाउंट में आपको हेयर और स्काल्प को क्लींजिंग दे सके। इसके बाद में हम आते हैं PRP के ऊपर। दोस्तों सिंस PRP एक मिरेकुलस ट्रीटमेंट है और उसके बहुत सारे टाइप आते हैं, फॉर
एग्जांपल प्लेन या नॉर्मल पीआरपी, बायोटिन पीआरपी, जीएफसी, ग्रो फैक्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स की चीजें आती है उसके अंदर। तो ये अलग अलग तरीके के पीआरपी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के या फिर अलग अलग ग्रेड्स के या सिचुएशन के बालों में अलग अलग ग्रोथ देते हैं। तो ये जो हो गया हमारा पीआरपी मेडिकेशन या फिर हम लोग मेंटेनेंस कह सकते हैं इस तरीके की चीजें। लास्टली बट नॉट द लिस्ट जो प्रोसीजर है हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो हम कर सकते हैं जिनमें डोनर अच्छा है, जहाँ से हम बाल अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से वो लगा के टॉप एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो हर एक चीज बाललेस या फिर हम लोग कहेंगे जो हेयर लॉस है उसके अकॉर्डिंग टू नॉर्वुड ग्रेड, कौन सा ग्रेड है, हेयर लॉस का पैटर्न कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी ट्रीटमेंट चूज करनी है। और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो पर्टिकुलरली एक ही इंसान के लिए दी जाती है वही उसके लिए सबसे अच्छी होती है। सो अगर आपको बाललेस का इशू है तो आप कंसल्टेशन लीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलिए, तो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। जिस किसी के पास भी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है तो वो ट्रांसप्लांट भी करा के दे सकता है। अगर आपको रिगार्डिंग ट्रीटमेंट या फिर डिसीज के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।